दादाजी, कितना धुआं है सड़क पर, कितने सारे वाहन हैं यहाँ। हाँ हाँ बिटिया, यहाँ शहर है ना, यहाँ सड़क पर कई वाहन चलते हैं और उसकी वजह से बहुत धुआं होता है। इस धुएं की वजह से ही तुम्हें खांसी हो रही है। अच्छा, तो क्या वाहनों से धुआं निकलता है? हाँ बच्चों, पेट्रोल और डीजल की वजह से वाहनों से धुआं निकलता है जो काले रंग का होता है। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। चलो बच्चों, पास में एक भोजनालय है, वहाँ जाकर खाना खा लेते हैं। दादाजी और बच्चे भोजनालय में खाना खाने जाते हैं। दादाजी, ये इस भोजनालय के ऊपर क्या लगा है, इतनी बड़ी बड़ी चमकीली पत्रक? अच्छा बच्चों, यहाँ इस भोजनालय का मालिक खाना बनाने के लिए सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग करता है। सूर्य की ऊर्जा का? बच्चों, जैसा मैंने तुम्हें बताया था, सूर्य की ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन है, यह कभी समाप्त नहीं होगी। सूर्य की ऊर्जा को ये बड़े बड़े पत्रक इकट्ठा करते हैं और फिर इस ऊर्जा का विभिन्न तरीकों के द्वारा उपयोग होता है। है ना ये कमाल की बात? हाँ दादाजी, सूर्य हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। मैंने हमारे गांव में भी रजनी काकी को ऐसे ही एक छोटे उपकरण की मदद से खाना बनाते हुए देखा है। वो क्या होता है दादाजी? बच्चों, वह सोलर कुकर होता है, जैसे तुम सबकी माँ प्रेशर कुकर पर खाना बनाने के लिए डीजल या केरोसिन का उपयोग करती हैं, वैसे ही सोलर कुकर में खाना बनाने के लिए सूर्य की ऊर्जा को इकट्ठा करते हैं। हाँ, मैं माँ से कहूँगी कि वे भी सोलर कुकर ले आए। कितने समझदार हैं ये बच्चे, मेरी ऊर्जा के सदुपयोग को समझ गए हैं। आप भी अपने घर में और बाहर मेरी ऊर्जा प्रयोग करना। सही बात है बच्चों, अगर सब समझदारी से काम लें तो हम नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। चलो बच्चों, बहुत देर हो गई है, अब चलते हैं। अरे दादाजी, हमारे संसाधन कितने कीमती होते हैं। प्रकृति ने हमें अनेक संसाधन प्रदान करे हैं, पर हम समझदारी से इनका प्रयोग नहीं करते। अगर हम सब मिलकर इन संसाधनों का सोच विचार के उपयोग करेंगे तो ये हमारे जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। पर अगर हमने अनिवार्य संसाधनों का उपयोग ठीक से नहीं किया तो वे एक दिन समाप्त हो जाएंगे और फिर हम सभी को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ठीक बोल रहे हो रामू, हम सबको नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग भी करना चाहिए जो प्रकृति ने हमें असीम रूप से बांट रखे हैं। शाबाश बच्चों, तुम सबको सारी जानकारी अच्छे से समझ आ गई है। अब से तुम सब संसाधनों को बचाने की पूरी कोशिश करना। देखा बच्चों, रामू, रानी और रवि को प्राकृतिक संसाधनों की कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी दादाजी ने। आशा करता हूँ आप लोगों ने भी इस जानकारी से लाभ उठाया होगा और आप लोग इस जानकारी को याद रखेंगे। याद रखना, मेरे प्रकाश का उपयोग करें और ईंधन बचाएं।